Hello everyone, welcome to Digimento Educations. Today I am going to discuss my preparation strategy. Okay, so first of all I will introduce to myself. So my name is Abdul Qadir and I have cleared November UGC NET November 2017. So I have cleared JRF and assistant professor both. So अब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे मैंने प्रिपरेशन की और मैंने जॉब के साथ में कैसे प्रिपरेशन की. अगर आप जॉब के साथ में प्रिपरेशन करने वाले हो या विदाउट जॉब कर रहे हो तो आप कैसे करें, ठीक है. तो मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ. मैंने पेपर वन के लिए कैसे प्रिपेयर किया, पेपर टू के लिए कैसे प्रिपेयर किया और पेपर थ्री के लिए कैसे प्रिपेयर किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाना एक चीज़ बताना चाहता हूँ. वो ये है कि जो नया रूल चेंज हुआ है यूजीसी नेट ने, जो रूल चेंज किया था, जो आपका JRF को क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया था वो चेंज हुआ था. तो उसके चेंज होने से एक अच्छा इफेक्ट पड़ा है. अच्छा इफेक्ट क्या पड़ा है, अगर आप नेट जनवरी का रिजल्ट देखें तो नेट जनवरी के रिजल्ट में अनरिजर्व्ड में यानी कि जनरल में 26 स्टूडेंट्स ने JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों क्वालिफाई किया था और 179 ने सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर. तो ये कुछ डिजिट्स हैं, ठीक है. 29 इन JRF एंड AP, उसके बाद में 273 ने सिर्फ, 273 ने AP, उसके बाद में 8 इन SC एंड 2 इन ST. ओके, JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत. तो अगर आप रिजल्ट देखें अब नवंबर 2017 का, तो बहुत ही इफेक्ट पड़ा है, डबल का इफेक्ट पड़ा है. ओके, अनरिजर्व्ड में 80 लोगों ने JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों क्वालिफाई किया है और असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली 1262. तो आप ये देख सकते हैं कि रिजल्ट जो आया है, जो रूल चेंज होने के बाद में रिजल्ट आया, उस पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ा है. मतलब डबल से ज़्यादा लोगों ने क्वालिफाई किया है इस बार. ओके, सो मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, आई हैव डन माई 10th एंड 12th फ्रॉम उत्तराखंड बोर्ड विद 55% एंड BTech फ्रॉम उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी विद 70%. एंड देन आई डिड माई MTech फ्रॉम GV पंत इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तराखंड विद 76%. ओके, सो 12th BTech तक मेरा कोई इतना खास क्वालिफिकेशन नहीं रहा है, इतनी अच्छी परसेंटेजेस नहीं है, लेकिन मैंने MTech में अच्छी प्रिपरेशन की गेट की और UGC नेट की. सो गेट की प्रिपरेशन जो मैंने की उसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा हुआ मेरा UGC नेट में. सो आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर गेट एंड UGC नेट बोथ. सो आई हैव क्वालिफाइड गेट मेनी टाइम्स एंड देन आई प्रिपेयर्ड फॉर UGC नेट इन फर्स्ट टाइम इन जनवरी 2017. तो जनवरी 2017 में मेरा इतना मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया. उसका एक रीज़न रहा. रीज़न क्या था, मेरी एक आदत है कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में लास्ट की 15 मिनट्स में OMR शीट को भरता हूँ. सो पेपर वन में मेरे पास में टाइम कम रह गया. सो जब मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुका था, सो लास्ट में सिर्फ 5 मिनट्स मिली मुझे OMR शीट को भरने के लिए. तो मैं क्वेश्चंस तो सॉल्व कर चुका था लेकिन मैं OMR शीट पूरी नहीं भर पाया. उस वजह से क्या हुआ, मेरा पेपर वन ही रह गया. ओके, पेपर वन आई डोंट नो कितने मार्क्स आए लेकिन मैं क्वालिफाई ही नहीं कर पाया. तो मेरा टेक्निकल बहुत अच्छा था लेकिन पेपर वन में मैं लैक कर गया. तो इस बार भी नवंबर एग्ज़ाम में भी मैंने कोई पेपर वन के लिए अच्छी प्रिपरेशन नहीं की थी. तो अगर मेरा रिजल्ट देखें आप UGC नेट का, तो पेपर वन में मेरे सिर्फ 48 मार्क्स हैं, यानी कि 24 क्वेश्चंस ही सही हैं, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर नहीं है. लेकिन पेपर टू और पेपर थ्री मैंने बहुत अच्छा किया. पेपर टू में मेरा जो स्कोर था, पेपर टू में आई गॉट 76 मार्क्स, जिसका मतलब मेरे 38 क्वेश्चंस जो हैं वो सही थे. और पेपर थ्री में मेरी 70% थी, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सही रहे. तो मेरा पेपर टू और पेपर थ्री ही मेरा JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई, उनकी वजह से ही. सो पेपर वन में इतना कुछ अच्छा नहीं रहा मेरा. सो मैंने जो प्रिपरेशन की वो मैं जॉब के साथ में प्रिपरेशन कर रहा था. अगर आप जॉब के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हो UGC नेट की, तो बहुत ही, मतलब मेरा मानना ये है कि अगर आप जॉब के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हो और विदाउट जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं, दो स्टूडेंट हैं जो एक जॉब के साथ में प्रिपरेशन कर रहा है और एक विदाउट जॉब प्रिपरेशन कर रहा है, तो जो जॉब के साथ में प्रिपरेशन कर रहा है उसके पास में एक एडवांटेज है. वो एडवांटेज क्या है कि वो एक्चुअली में पढ़ा रहा है, वो टच में है पढ़ाई के और उसको ज़्यादा अपने आप को पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो जो कॉलेज में सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है तो वो चूज़ कर सकता है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाए, ठीक है. जैसे मेरे पास में चॉइस थी, जब मुझसे चॉइस पूछी गई, मैं एक यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहा था, तो मुझसे चॉइस पूछी गई तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, तो मैंने पहले ही देख लिया कि UGC नेट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो मैंने वही चूज़ किए और उन्हीं को मैंने पढ़ाया. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाया, 2-3-4 सब्जेक्ट ऐसे थे जो मैंने पढ़ाए. ओके, उन्हीं के हेल्प से मैंने प्रिपरेशन की. सो नवंबर में मेरा पहला अटैम्प्ट था वो जनवरी 2017 में था. तो उसमें क्या गलती की मैंने सिर्फ वही सब्जेक्ट प्रिपेयर किए जो गेट में आते हैं, ठीक है. सो उनकी हेल्प से आप उनकी हेल्प से नहीं करेक्ट UGC नेट क्रैक नहीं कर सकते हो.
आपको एक्चुअल में कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने हैं. फॉर एग्जाम्पल जो कोर सब्जेक्ट हैं, जो गेट के कोर सब्जेक्ट हैं, 12 सब्जेक्ट वो तो है ही हैं. यूजीसी नेट में कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका डेटा माइनिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, न्यूरल नेटवर्क्स हो गया, लाइनियर प्रोग्रामिंग हो गया, तो आपको इनमें से कम तीन सब्जेक्ट तो और करने ही पड़ेंगे. तो मैंने गेट के अलावा सिर्फ दो सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा पढ़े थे, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. ये भी मैंने पढ़े नहीं थे एक्चुअल में, इनको मैं पढ़ा रहा था इसलिए मेरे प्रिपेयर हो गए. तो मैंने डिजी मेंटो में, जो कि हमारा चैनल है जिस पर आप वीडियो देख रहे हो, इनके यहाँ पे भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, ठीक है, हमारे चैनल के लिए मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और AI रिकॉर्ड किया, तो मेरा वहाँ पे प्रिपेयर हो गया. तो मुझे इन सब्जेक्ट को भी ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. लेकिन अगर आप न्यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर पेपर वन की बात करें, तो पेपर वन में हमें सिंपली क्या करना है, पेपर वन में एक सिंपली एक बुक खरीदो जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल मैकग्रॉ हिल की एक बुक्स आती है पेपर वन के लिए स्पेशली, क्योंकि पेपर वन सबका कॉमन है. तो पेपर वन में आपको अगर प्रिपरेशन करनी है, आपको कुछ ऐसा मत करें कि स्पेशली सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड अलग से बुक पढ़ रहे हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड अलग से बुक पढ़ रहे हैं. सिंपली एक बुक खरीदो और उसको एक वीक पहले, एग्जाम से एक वीक पहले पूरी बुक को पढ़ डालो. मैंने यही किया था, मैंने दो दिन में यूजी नेट की एक पेपर वन की पूरी बुक पढ़ ली, और लेकिन मैं ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाया उसके लिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए थे पेपर वन के.